हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 3 to 5 ऑफ एक्सरसाइज 4C। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। द टोटल कॉस्ट ऑफ एयर टिकट्स ऑफ 52 पीपल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लंदन इज ₹8,29,608। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एयर टिकट of one person? It means जो total cost है air ticket की 52 peoples की New Delhi से London तक की, वो है ₹8,29,608। So you have to find out करना है cost air ticket की one person की. Okay, now what we have to do? As we know that whenever we are given the value of more and we have to find out the value of one, then we always divide. अगर हमें ज्यादा की वैल्यू या फिर टोटल वैल्यू गिवन होती है एंड वन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या करनी होती है, सो वी ऑलवेज डिवाइड, हम डिवाइड करते हैं. एंड इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो हमें टोटल कॉस्ट गिवन है टिकट की, ठीक है, और कितने 52 पीपल की, और हमें फाइंड आउट करनी है वन पर्सन की. मीन्स हमें 52 पर्सन की कॉस्ट जो एयर टिकट की वो पता है एंड वन पर्सन की फाइंड आउट करनी है. सो मोर पर्सन की गिवन है, वन पर्सन की फाइंड आउट करनी है, सो सिंपली वी विल डिवाइड. ओके, सो वी विल राइट डाउन टोटल कॉस्ट ऑफ एयर टिकट्स ऑफ 52 पीपल. हियर वी विल कन्वर्ट इट इनटू न्यूमरल, हम इसको न्यूमरल में कन्वर्ट कर लेंगे. हाउ मच इट इज गिवन? 8 लाख, देन 29,608. सो द कॉस्ट ऑफ एयर टिकट ऑफ वन पर्सन विल बी, वी विल सिंपली डिवाइड ₹8,29,608 बाई 52. हियर वी विल डिवाइड, नाउ वी विल डिवाइड 8,29,608 बाई 52. एज वी डोंट नो द टेबल ऑफ 52, सो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट चलिए यहां पर जो डिवाइजर्स की टू डिजिट्स है, सो डिविडेंड की भी हम फर्स्ट टू डिजिट्स ले लेंगे, ठीक है. 82 ले लिया. अब यहां पर देखिए ये जो 52 है, हमें 52 की टेबल तो पता नहीं है, वी डोंट नो द टेबल ऑफ 52. सो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 52 की वन डिजिट हाइड कर लेंगे एंड 82 की वन डिजिट हाइड कर लेंगे. सो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा. अब ये वन टाइम जा सकता है, टू टाइम्स तो ग्रेटर हो जाएगा. सो वन टाइम करेंगे, 52 वन 52. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 2 - 2 0 एंड वेन वी विल सब्ट्रैक्ट 5 from 8 वी विल गेट 3. नेक्स्ट डिजिट कौन सी? 9, हमें यहाँ पे 9 लिख लिया. अगेन क्या करेंगे, 52 का 2 हाइड कर लेंगे, यहाँ पे 1 डिजिट 9 हाइड कर लेंगे, 30 बचेगा, 5 बचेगा. सो 6 टाइम करके देखेंगे ना, 5 6 30 होता है. सो हमने यहाँ पे 6 टाइम किया तो देखिए क्या हुआ, 2 6 12, 2 लिखा, 1 कैरी गया, 5 6 30 + 1 31 हो गया, ये हो गया 312. और ये क्या है, 309 से ज्यादा हो रहा है. सो 1 टाइम हम कम, मीन्स हम इसको 5 टाइम करके देखेंगे. हमने यहाँ पे 5 टाइम करके देखा, 2 5 10, 0 लिखा, 1 कैरी गया, 5 5 25 + 1 26, ये हो गया 260. सो जब 5 टाइम जाएगा कितना हो जाएगा, 260. अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 0 9. अब 0 सब्ट्रैक्ट नहीं सकता, 6 गॉट इज स्मॉलर, सो इट विल बोरो 110 फ्रॉम 3. यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, 10 से 6 किया, 4 हो गया. नेक्स्ट डे हमने 6 ले ली, 496 हो गया. अगेन 52 का हमने 2 हाइड किया, यहाँ पे हमने 6 हाइड किया. अब ये 5 9 45, 9 10 जा सकता है ना. सो 52 को 9 टाइम करेंगे, हमने यहाँ पे 52 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 2 9 80, 8 लिखा, 1 यहाँ पे आपका कैरी किया, 5 9 45 + 1 46, ये हो गया 468. सो हियर आई हैव रिटन 468, सब्ट्रैक्ट किया, 6 इज स्मॉलर देन 8, सो वी विल बोरो 110 फ्रॉम 9. यहाँ पे 8 बचे, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 से 8 सब्ट्रैक्ट किया, 8 हो गया. 110 बोरो करने का 9 के पास 8 बचा था, 8 से 6 सब्ट्रैक्ट किया, 2 हो गया. नेक्स्ट डे हमें कौन सी बोरो करेंगे, नेक्स्ट डे हम ये जो 0 इसको बोरो कर लेंगे, सॉरी नेक्स्ट डे 0 लिख लेंगे, ठीक है. अब ये अगेन हम 52 का 2 हाइड करेंगे और 280 का 0 हाइड करेंगे, सो ये 5 है, 28 है, सो ये 5 टाइम जा सकता है, 5 5 25. सो हम 5 टाइम करके देखेंगे, हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था, 260. सो ये वी विल राइट डाउन 260. नाउ स्पेस इज नॉट देयर, सो इसके बाद का जो सॉल्यूशन है उसको हम यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है. सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 से 6 जाएगा तो कितना आपका, सॉरी 0 0 जाएगा, 0 आएगा, 8 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आ जाएगा. नेक्स्ट डे हमारी क्या बची थी, 8 बची थी, हमने यहाँ पे 8 लिख लिया. अब ये आपका अगेन 1 डिजिट हाइड करेंगे, 5 बचेगा यहाँ पे 20 हाइड करने पर. सो हम इसको 4 टाइम ले जाएंगे, सो ये हो सकता है ना, सो हम इसको 4 टाइम ले जाएंगे, 5 2 सॉरी 5 4 20 होता है. सो 4 टाइम ने यहाँ पे किया, 2 4 8,
5 + 20 ये पूरा होगा 208. इट मींस ये आपका 208 कंप्लीटली डिवाइड हो गया 52 से 4 टाइम्स ले जाने पे ना. सो 52 4 208. नाउ वी विल गेट 0. सो इट मींस क्वेश्चन क्या आया है 15,954. इट मींस जो एयर पर्सन वन पर्सन का एयर टिकट का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा रुपीज 15,954. सो वी कैन राइट सो कॉस्ट ऑफ एयर टिकट ऑफ वन पर्सन इज रुपीज 15,954. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट्स बाय द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स. इट मींस हमें ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर को डिवाइड करना है ठीक है और किससे करना है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से. एज आई टोल्ड यू चैप्टर नंबर 2 ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होगा. देखिए जो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट मींस ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है. देखिए वन डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं 0 से 9 के बीच में. जैसे 10 पे आएंगे 2 डिजिट हो जाएगा. सो ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होता है 9 होता है. सो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 8 times 9 1 2 3 4 5 6 7 8 मींस क्या हो जाएगा 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh crore. सो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर विल बी 9 crore 99 lakh 99,999. सिमिलरली ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा 3 times 9 निकलेंगे दैट विल बी 999. नाउ विल डिवाइड विल राइट 999 एज डिवाइजर एंड 9 crore 99 lakh 99,999 एज डिविडेंड. नाउ वी विल टेक हियर इन डिवाइजर 3 डिजिट्स आर देयर सो डिविडेंड ऑल्सो. इन केस ऑफ डिविडेंड वी विल टेक 3 डिजिट्स इट विल गो वन टाइम 999 once 999. Now when we will subtract, we will get 0. Because 9 minus 9 0, 9 minus 9 0, 9 minus 9 0. अब क्या करेंगे हम ऐसे 9 ले लेंगे बट अभी भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है बिकॉज ये छोटा है डिविडेंड से सॉरी डिवाइजर से. सो एक और डिजिट लेंगे और ये रूल होता है कि जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं अगर फिर भी डिवाइड नहीं हो पा रहा होता है या कहते हैं कह सकते हैं डिविडेंड डिवाइजर से छोटा होता है सो 0 में क्वेश्चन लिख लेते हैं. सो हमने क्वेश्चन में 0 लिख लिया. देन हम नेक्स्ट डिजिट 9 लेंगे. सो हम एक और डिजिट ले रहे हैं. सो हम क्या कर रहे हैं 2 डिजिट्स हम ले रहे हैं ठीक है. सो हमने यहाँ पे 10 और लिख लिया. ये हो गया 999. अभी कितने टाइम जाएगा वन टाइम अगेन जाएगा 999 बन जाएगा 999. सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा रिमाइंडर 0 आएगा. अब एक रूल होता है कि जब हम नेक्स्ट डिजिट लेते हैं मीन्स ये जो करंट डिविडेंड होता है अगर डिवाइजर से स्मॉलर होता है देन लोग क्वेश्चन में 0 लिख लेते हैं. और यहाँ पे जो नेक्स्ट डिजिट में 9 लिया तो जो करंट डिविडेंड है वो 9 है स्मॉलर है 999 डिवाइजर से सो हमने 0 लिख लिया. सिमिलरली जब हमने एक और 9 लिया तो अगेन जो आपका करंट डिविडेंड है वो इस डिवाइजर से स्मॉलर है सो हमने एक और 0 लिख लिया ठीक है. ये रूल होता है ठीक है. अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिवाइजर से डिविडेंड को जब डिवाइड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो आ रहा है वो रिमाइंडर होता है. बट अगर आपने नेक्स्ट डिजिट ली है बोरो करी है सो वो क्या होता है वो आपका डिविडेंड होता है. और अगर करंट डिविडेंड जो अभी का डिविडेंड है वो डिवाइजर स्मॉलर होता है तो हम क्वेश्चन में 0 लिख लेते हैं ठीक है. सो व्हेन वी विल डिवाइड ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बाय ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर देन द क्वेश्चन विल बी 100100 एंड द रिमाइंडर विल बी 99. और वी कैन से क्वेश्चन विल बी 1,100,000 एंड द रिमाइंडर विल बी 99. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट मस्ट 789 बी मल्टीप्लाइड टू गिव 78,97,890. इट मींस हम 789 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं मींस 789 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट हमें 78,97,890 मिल जाए ठीक है. सो जिस नंबर से हम 789 को मल्टीप्लाई करें सो दैट हमें ये नंबर मिले हमने उसको कंसीडर कर लिया एक्स ठीक है. लेट द नंबर बी एक्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी राइट 789. अब क्या 789 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सो 789 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस नंबर से करते हैं उस नंबर को हमने x माना है. सो 789 मल्टीप्लाइड बाई एक्स हमने उस नंबर की जगह x मान लिया सो दैट हमें रिजल्ट मिले 78,97,890. सो जो नंबर में मिले या मिल जाए उसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड लिखते हैं इज इक्वल टू 78,97,890.
नाउ देयर इज अ रूल कि जब कभी भी कोई भी नंबर इक्वल टू के लेफ्ट या इक्वल टू के राइट शिफ्ट होता है देन उसका साइन चेंज हो जाता है. इट मीन्स अगर एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई में तो डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. और यहां पर देखिए जो ये 789 है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सो ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाके साइन चेंज कर लेगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, सो वी विल राइट एक्स इज इक्वल टू 78,97,890 और जब मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाई 789. नाउ वी विल डिवाइड 78,97,890 बाई 789. यहाँ पे थ्री यूनिट्स ले लेंगे, फर्स्ट इट विल गो थ्री टाइम्स 700 फर्स्ट इट विल गो वन टाइम 789 वन जा 789. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट एंड वी विल गेट जीरो बिकॉज 9 - 9 जीरो, 8 - 8 0, 7 - 7 0. नेक्स्ट डिजिट में कौन सी लेंगे, 7 लेंगे, बट 7 जो है 789 से स्मॉलर है, डिवाइड नहीं हो पा रहा है. सो अगेन हम वन मोर डिजिट लेंगे और जब कंटिन्यूअसली वन डिजिट लेते हैं तो क्वेश्चन में एक जीरो पुट कर लेंगे, बट अभी भी डिवाइड नहीं हो पा रहा, हम लोग एक और 9 लेंगे. सो अगेन एक और जीरो क्वेश्चन में पुट करेंगे. ये आपका 789 हो गया, अगेन इट विल गो वन टाइम 789 वन जा 789. नाउ विल सब्ट्रैक्ट एंड हियर वी विल गेट जीरो. ओके, नाउ नेक्स्ट डिजिट क्या है, जीरो में बोरो करी और किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, द आंसर इज ऑलवेज जीरो. सो 789 को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा. सो व्हाट विल बी द क्वेश्चन, इट विल बी 10,010. इट मीन्स हम 789 को अगर 10,010 से मल्टीप्लाई कर दें सो हमें 78,97,890 मिलेगा. ओके, सो वी कैन राइट, सो 789 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 10,010 टू गिव 78,97,890. ओके ओके, थैंक यू.